स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi के 360 होम सिक्योरिटी 2 के कैमरे के बारे में, जो कि मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 2 वीक से। इस वीडियो में हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। नॉट ओनली रिव्यू, इस वीडियो में कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, क्या क्या बेसिक सेटिंग्स करना पड़ता है और वीडियो का क्लैरिटी कैसे रहता है। तो क्या अगर आपको एक इंडोर होम सिक्योरिटी कैमरा का ज़रूरत है तो क्या 3000 स्पेंड करना आपके लिए जस्टिफाइड होगा या फिर नहीं है, आज इस वीडियो में इन डिटेल बात करने वाले हैं। अगर मेरा तरह आप भी ऐसे सर्चिंग कंडीशन में हो, यानी कैमरा लेने का प्रोसेस में हो, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्या Xiaomi का इस कैमरा को परचेस करना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा, बेस्ट डील होगा या फिर नहीं है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखनी चाहिए। इन डिटेल बात करने वाले हैं और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे टेक डिविजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है Xiaomi के होम सिक्योरिटी 360 2 के कैमरा है। इसको मैंने परचेस किया था फ्लिपकार्ट से और लास्ट 2 वीक से इसको यूज कर रहा हूँ। इसका बॉक्स कंटेंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है देखेंगे, फिर इसका रिव्यू और फिर रिकमेंड किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में आपको क्या। चलिए, तो बॉक्स कंटेंट पर आपको जैसे कि देख पा रहे हैं, एक यूजर मैनुअल मिल जाती है, एक चार्जर नॉर्मल जो Xiaomi के जो चार्जर, बेसिकली एक 2 एम्पियर का चार्जर है, और उसके बाद जो मेन यूनिट है हमारा कैमरा यूनिट, और उस कैमरा का जो होल्डर है यानी आप जहां पर कैमरा को फिक्स करोगे उसका बेस है। ये 3 चीजों जो है पैकेट का अंदर में आपको इंक्लूड करके दिया गया है। ये रहा हमारा मेन यूनिट, जो हमारा मेन कंपोनेंट आप कह सकते हो वीडियो पर। जैसे ही आप कैमरा को ओपन करोगे, आप इसको थोड़ा पोजीशन जो है थोड़ा ऐसे ऊपर उठा देना, लेंस को टच मत करना, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर उठाओगी, मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप इसमें देख लेना, यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन का स्लॉट मिल जाएगी। मैं ऑलरेडी यहाँ पर लगाया है, अप टू 256 GB तक आप इसमें लगा सकते हो। इसको अभी मैं मेमोरी कार्ड को जो है निकल रहा हूँ, ओके। निकलने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं इसमें अभी 128 GB का लगाया हूँ, ओके। ऐसे निकलना पड़ता है। कैमरा को इंस्टॉलेशन करने से पहले आप मेमोरी कार्ड को लगाना जरूरी है। एक मेमोरी कार्ड लगाने के बाद फिर इसको आप पावर ऑन करना है। तो मैं इसको इंस्टॉल किया है अपने बालकोनी पर। इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको और क्या करना पड़ता है वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, मेमोरी कार्ड आपने लगा लिया है। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद इसको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, जस्ट मतलब ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं पड़ता है, बट कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है वो भी देखना जरूरी है। अगर आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो फिर आपको ये थोड़ी ज़रूरत होगी। सबसे पहले क्या करना है, मेमोरी कार्ड लगाने के बाद आपको इसको पावर सप्लाई देना है, ठीक है। पावर सप्लाई देने के बाद उसके बाद क्या करना है, 2G इंटरनेट में इसको कनेक्ट करना है। मेरे पास जो ब्रॉडबैंड है, जियो का फाइबर है, वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाती है, 2G मिलती है, 5G भी मिलती है। इस कैमरे को आपको 2G देनी है। अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ ये कैसे ऑन होती है। अभी मैं अपना मोबाइल फ़ोन ले लिया है। IIS पर आपको जो है अपने जो मोबाइल का जो स्टोर है वहाँ पर आपको जाना पड़ता है। जाके यहाँ पर आपको मी होम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मी होम सेकंड वाला, मी होम का एप्लीकेशन जो है आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये डाउनलोड होने के लिए थोड़ी सी आपको टाइम लगेगा, मैं वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्डिंग कर रहा हूँ। देख सकते हो अभी जो है एप्लीकेशन जो है कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद अब आपको जो है एग्री करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको जो है अपने जो अगर एग्जिस्टिंग आपको Xiaomi का मी होम का अगर कुछ आपके यूज़र नेम और अकाउंट पासवर्ड याद है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप एक फ्रेश अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हो साइनअप का ऑप्शन में, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन में। मेरे पास ऑलरेडी वो अकाउंट डिटेल है, मैं अभी अपना डिटेल्स देके इसमें एंटर हो जाता हूँ। एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए, मैं स्क्रीन के ऊपर में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक प्लस सिंबल आपको दिखाई मिल रहा है, यहाँ पर प्लस सिंबल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आर्ट डिवाइस कान एंड क्रिएट ए स्मार्ट सीन। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप जो है स्कैन में डायरेक्ट चला जाइए, स्कैन ऑप्शन यूज कर लीजिए, ठीक है, अलाउ कर लीजिए। अब जो है आपका जो कैमरा पर नीचे एक बारकोड दिया गया है, ठीक है, इस बारकोड को आपको स्कैन करना है,
ठीक है, आप जैसे ही स्कैन करोगी आपको इस तरीके से मैसेज एक स्क्रीन पर आएगा कि रिसेट डिवाइस Xiaomi 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 2K, और आपको यहाँ पर लिखा है कि कैसे आपको रिसेट करना है कि होल्ड द रिसेट बटन अबाउट 7 सेकेंड ऑनटिल द नोटिफिकेशन लाइट टर्न येलो, ठीक है, यहाँ पर डिवाइस रिसेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो अभी जो है मैंने ऑलरेडी पावर सप्लाई इसको दे देता हूँ, ठीक है, अभी मैंने कैमरा को जो है ऑन नहीं किया है, एक बार कैमरा को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने कैमरा को ऑन करेगा वो थोड़ा रोटेट होता है 360 180 आपको डिग्री कवर करता है। सो आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपको येलो इंडिकेशन भी एक हल्का दिखाई देगी। सो अब जो है यहाँ रिसेट कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। सो ये स्टडी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको आप रिसेट कर सकते हो। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो जो पावर सप्लाई जहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे हो चार्जर, उसका बटन में एक उसका बगल में एक रिसेट स्विच है, इसको आप प्रेस करके रख दो, ठीक है, 7 सेकंड प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइस रिसेट में करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको अलाउ करना है, एग्री कर देना है। सो यहाँ पर देखिए आपको अपने जो 2G का जो वाईफाई का जो डिटेल है वो डालना है, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करता है मेरा कभी कभी, तो इसलिए मैं अपना 2G नेटवर्क डिटेल अभी मैं डाल रहा हूँ। ओके, 2G वाईफाई डिटेल एंड पासवर्ड डिटेल में एंटर कर दिया, अब जो है नेक्स्ट करना है, ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करोगे ज्वाइन आ जाएगा और डिवाइस कनेक्टिंग बोल के बोलेगा। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सी वेट करना है, कनेक्टिंग बोल के आपको बताएगा, और यहाँ पर आप देख लो कनेक्ट टू डिवाइस अपलोड इन्फॉर्मेशन टू डिवाइस 47% ऐसा आपको इंक्रीज होते जाएगा। ओके, अब मेरे को बोल रहा है कि सिलेक्ट रूम बोल के बोल रहा है, क्रिएट ए न्यू रूम बोल के बोल रहा है। सो चलो मैं बालकोनी में इसको लगाऊंगा, सो बालकोनी सिलेक्ट कर लिया है, ओके कर लेना। ओके, अब जैसे ही ओके करोगी यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है, सेट रूम बालकोनी, बस नेक्स्ट पर चला जाना। ओके, फिर नेक्स्ट पर चला जाना, डू नॉट शेयर नाउ, अभी फिलहाल के लिए मैं शेयर नहीं करता हूँ, डू नॉट प्रॉम्प्ट में क्लिक करता हूँ। अब जो है मेरे को एग्री करना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो। सो मैं अभी वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, अब मेरा फेस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह आपको आएगा। अब मैं थोड़ा कैमरा को आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं कैमरा को जो है प्लेस कर लिया है अपने बालकोनी पर, अब कुछ वीडियो सैंपल जो है मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, आप देख सकते हो। सो देखते हैं वो वीडियो सैंपल। सो डे टाइम का वीडियो सैंपल भी प्ले करूंगा, नाइट टाइम का भी वीडियो सैंपल प्ले करूंगा, सो दैट नाइट विजन यहाँ पर फीचर मिलती है, सो वो कैसे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है अगर आप वीडियो देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगी। सो कुछ वीडियो जो है मैं स्क्रीन के ऊपर में भी प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए। ये जो वीडियो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ये आपको फॉर्मेट है H265 पर, और आपको 20 FPS पर चैनल पर रिकॉर्डिंग होता है। सो यहाँ पर आपको 1 ईयर का वारंटी प्रोवाइड की जाती है, और ये जो कैमरा है कम्प्लीटली इंडोर कैमरा है, आप उसको आउटडोर में यूज़ करने के लिए कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पर वाटरप्रूफ वगैरह नहीं है। कैमरा जो है 360 रोटेट होता है, आपको हॉराइजेंटल जो है 360, वर्टिकल जो है आपको 180। स्पीकर और माइक्रोफोन भी प्रोवाइड किया गया है बैक साइड में, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं। कैमरा जब चलता है उसमें AI ऑटोमेटिकली ह्यूमन डिटेक्शन भी मिल जाती है, यानी कैमरा का फ्रंट पर अगर कोई मूवमेंट होता है तो इमीडिएटली आपका मोबाइल एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। सो वीडियो को कंप्लीट करने से पहले अब मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर क्या क्या ऑप्शन मिलती है, कैसे आपको नोटिफिकेशन आता है, कैसे जो रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे स्टोर होता है और उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, और कैमरा को 360 कैसे रोटेट कर सकते हो, वो डिटेल अभी हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन का थ्रू से डेमो देखने वाले हैं। सो आपको एक लाइव डेमो देने के लिए मैं अभी कैमरा को जो है रिमूव किया है बालकोनी से और इनसाइड प्लेस कर लिया है मेरा बगल में, अभी आप देख सकते हो। सो अभी मैं मोबाइल एप्लीकेशन का अंदर में एंटर हो जाता हूँ, आपको दिखाया था कि मी होम एप्लीकेशन को आपको कैसे इंस्टॉल करना है जस्ट बिफोर,
अब मी होम एप्लीकेशन जब इंस्टॉल हो गया तो एप्लीकेशन के अंदर में क्या क्या ऑप्शन मिल जाती है, आप कहाँ एक्सेस कर पाओगे अपने जो रिकॉर्डेड वीडियो को, और कुछ सेटिंग्स भी कर सकते हो, और वो जो रिकॉर्डेड वीडियो को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट मेनू में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो सिंपल, उसका पहले आपको करना क्या है, जैसे कि आपको बताया कि मी होम एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड किए हो, सो अभी मी होम एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही आप मी होम एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पर देख लेना, मैं स्क्रीन का रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ सो दैट आपको, हम सभी लोग को थोड़ी हेल्पफुल होगी अगर किसी में अगर डाउट रहेगी तो। तो जैसे ही मी होम एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, आपको इस तरह का सा इंटरफेस आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी। वंस अगर आप कॉन्फिगर कर लिया कैमरा को, सेम यूजर आई डी आप किसी भी मोबाइल पर लॉग इन करते हो तो आपको इमीडिएटली इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात यह है कि कितना डिवाइस पर आप एक्सेस कर सकते हो, भाई मल्टीपल डिवाइस पर आप एक्सेस कर सकते हो। प्रेजेंट फिलहाल जो है, मैंने 3 मोबाइल पर फोन पर सेम यूजर क्रेडेंशियल देके तीनों में एक्सेस कर रहा हूँ। पहला एक बार आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जो बारकोड स्कैन करके, उसके बाद आप मी का यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद ऑटोमेटिक आपको इस तरह का सा, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी ओपन में क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन में क्लिक करेगा, आप देख पा रहे हो कैमरा अभी जो है ओपन हो गया है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो मैं एक कॉर्नर में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको मेरे को जो है आप 360 हॉरिजॉन्टल और 180 डिग्री वर्टिकल रोटेट कर सकते हो। अब देखो मैं स्क्रीन के ऊपर में रोटेट कर रहा हूँ, कैमरा जो है रोटेट होता जाएगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ऐसे वर्टिकल भी कर सकते हो, अब देख लो। सो इस ऑप्शन को यूज करके आप वाइड रिकॉर्डिंग एंगल जो है कवर कर सकते हो, ठीक है। मैं एक कॉर्नर में रखा है तो फिर भी आप देख सकते हो। आप वंस मोबाइल एप्लीकेशन में कनेक्ट हो गए तब आप कुछ भी इसको कहीं भी किधर भी रोटेट कर सकते हो, और जिधर भी आप रोटेट कर रहे हो वीडियो उधर भी आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे जो है 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तीनों ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में हम लोग जो लास्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, उसमें हम लोग देखते हैं। पहले स्टोरेज मैनेजमेंट है। स्टोरेज मैनेजमेंट पर क्या है, आप देख लो, बहुत सारा वीडियो जो है रिकॉर्डेड है मेरा मेमोरी कार्ड पर। यहाँ पर मैं 128 GB का मेमोरी कार्ड डाला है। कितना आपको फ्री स्पेस है सो वो भी बता रहा है, टोटल मेमोरी साइज, मेमोरी कार्ड का साइज कितना वो भी बताएगा, और आपको प्रोग्रेस बार भी बताएगा कितना आपका फुल हो जाता है वो भी आपको बताता है। यहाँ पर देखो आवरली रिकॉर्ड होता है, आप देख लो 14 आवर, 13 आवर, 12 आवर, 11 आवर, 10 आवर, 9 आवर, 8 आवर, 7 आवर, 6 आवर, 6 आवर, 5 आवर, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर। और जैसे ही आप किसी भी आवर का अंदर में एंटर हो जाओगे, क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 11 आवर का अंदर में एंटर हो गया है। जैसे ही मैंने 11 आवर का अंदर में एंटर हो गया, अब ईच मिनट यानी एवरी मिनट का एक एक फाइल होगा। सो 60 मिनट, 1 आवर के लिए आपको 60 फाइल यहां पर आपको मिलेगा। सो इस तरीके से आपको किस समय का एक इंसिडेंट को निकालना है, या फिर किस पर्टिकुलर टाइम का वो अगर आपको वॉच करना है, मॉनिटरिंग करना है, हिस्ट्री देखना है, तो फिर उस वॉच आवर को आपको सिलेक्ट करने का बाद कौन सा मिनट में हुआ था, उस मिनट का आपको वीडियो को क्लिक करके वीडियो को आप फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको देखना पड़ेगा। सो इस तरह के आपको मल्टीपल फाइल जो है हर मिनट में एक एक क्रिएट होता है। अब सिंपल है, फॉर एग्जांपल आपको पहला वाला फाइल जो है आपको चाहिए, ये वाला फाइल जो है मैं अभी स्क्रीन में प्ले कर रहा हूँ, ये वाला फाइल आपको लेना है। तो करना क्या है, यहाँ ऊपर में जो आपको बोर्ड वाला पेन वाला सिंबल दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर लेना, उसके बाद फर्स्ट वीडियो को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद नीचे देखना आपको सेव ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर सेव ऑप्शन हो जाएगा, तो डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो अब डाउनलोडिंग जो है चालू हो गया। ये डायरेक्टली आप अपने जो मोबाइल फोन जो कैमरा गैलरी है वहाँ पर जो है वीडियो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद। तो ये था कुछ स्टोरेज मैनेजमेंट और वीडियो जो रिकॉर्डिंग होता है वो ऑप्शंस। अब आता है हमारा सेकंड, प्लेबैक। देखो यहाँ पर क्या है, आप किसी भी टाइम पर अगर कुछ आपको क्योंकि देखो इस कैमरा पर आपको AI ह्यूमन डिटेक्शन मिल जाती है, सो कभी भी अगर कैमरा का फ्रंट से कोई ह्यूमन का मूवमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपको नोटिफिकेशन आता है। सो उस नोटिफिकेशन को अगर आप इरिटेट हो तो आप ऑफ भी कर सकते हो, बट मैं उसको पहले कुछ दिन ऑन करके रखा था जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, ऐसा कोई फॉल्स डिटेक्शन नहीं आया है अभी तक मेरे को। जो भी आया है अगर मूवमेंट हुआ तो फिर नोटिफिकेशन आता है, और पर्टिकुलर उस टाइम का मूवमेंट को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डेड ऑलरेडी है उसको भी आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब जो थर्ड फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑलराउंड प्रोटेक्शन बाय होम सर्विस, ये जस्ट आपको ट्यूटोरियल टाइप का आपको बताएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब देखते हो जो ऊपर में है, यहाँ पर आपको एक 3 डॉट मिलता है, यहाँ पर जाने से आपको कुछ सेटिंग्स जो है मिल जाती है। कैमरा सेटिंग, कैमरा सेटिंग में क्या है, ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। इमेज सेटिंग में आप चला जाओ, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टाइम स्टैम्पिंग अगर उसको चाहे तो आप ऑफ कर सकते हो,
लेंस डिस्टोरेशन करेक्शन ये करने का जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। रोटेट इमेज में आप कर सकते हो, अभी देखो ये लाइव इमेज है, ये लाइव इमेज को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो इस तरह आपको रोटेट हो जाएगा, तो ये आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप छेड़छाड़ करने का भी कोई जरूरत नहीं है। नाइट विजन ऑलरेडी आपको ऑन रहता है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया नाइट विजन बिफोर नाइट विजन एक्टिवेशन और आफ्टर नाइट विजन एक्टिवेशन। सो मैंने ऑलरेडी आपको इसका पहले जस्ट वीडियो प्ले करके दिखाया था कि नाइट में कैसे पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो, पिक्चर का वीडियो का जो क्लैरिटी रहता है बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर रहती है, उसमें कोई आपको कंप्लेन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। विजिबिलिटी काफ़ी हद तक सही लगता है। और इसमें देख लो और कुछ ऑप्शन हम लोग को जो म्यूट ऑडियो, सो व्हेन वाचिंग फीड एंड रिप्ले, सो आप कैमरा को इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया माइक्रोफोन मिल जाती है और स्पीकर मिल जाती है, सो आप कैमरा को ऑलवेज अगर म्यूट करके रखना बेटर होगा, क्योंकि जब आप कैमरा ओपन करोगे तो फिर अननेसरी आपको जो है नॉइज जो है क्रिएट होता रहेगा। मैं बालकनी में लगाया तो मेरे को ज़्यादा नॉइज क्रिएट होता है। अगर आप इंडोर में किसी रूम पर रखे हो तो फिर आप वो ऑप्शन ऑन करके बात भी कर सकते हो, हालांकि मेरे को इतना यूजफुल नहीं लगा। सिमिलरली मोबाइल एप्लीकेशन का थ्रू से आप फार्मर का भी अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो है करंट वर्सन जो है अप टू डेट है, सो आप यहाँ पर भी अपडेट कर सकते हो अपना कैमरा का जो लेटेस्ट फार्म। ये जो सेटिंग है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखो आपको तीन ऑप्शन मिल जाती है, एक पावर का, एक म्यूट करने का, एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन। सो यहाँ पर कैमरा को आप स्लीप मोड में डाल सकते हो, यहाँ पर अगर आप पावर बटन क्लिक करते हो। सेकंड, यहाँ पर अगर आप ये देखो मेरा वॉइस में एक कॉर्नर में बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लगभग आपको 10-15 मीटर, फिर भी अभी देखो वॉइस आपको सुनाई दे रहा होगा। सो इसको आप म्यूट करके रखो ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पर अभी ऑटो में है, सो आप 360p में आप कर सकते हो स्मूथ के लिए, 2K HD में भी कर सकते हो। सो मैं अभी 2K HD में अगर करता हूँ तो आप देख लेना, तो थोड़ी सी पिक्चर क्लैरिटी जो है थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। सो मैं ऑटो में रखता हूँ, ओके। और यहाँ पर आपको बिग स्क्रीन करके भी, फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हो। अब बात करते हैं जो कॉमन दो क्वेश्चन पूछा गया है फ्लिपकार्ट पर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैमरा लैग होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मेमोरी जो है 90% तक अगर ऑक्यूपाई हो जाता है तो फिर आपको कैमरा जो है लैग देखने को मिल जाती है। सो आप बिफोर 90 आप जो है मेमोरी कार्ड को क्लियर कराइए, सो दैट आपका कैमरा जो है लैग फ्री वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकती है। सो हैंगिंग का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक मेरे को नोटिस नहीं हुआ है। इवन मैं बालकनी में प्लेस किया कैमरा को तो मोर देन 40 डिग्री टेम्परेचर भी हैंडल कर लेती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मल्टीपल डिवाइस पर कैमरा जो है मतलब शो नहीं करता है बोल के बोल रहा है, तो इसका मैंने अभी 3 डिवाइस पर कनेक्ट करके रखा हूँ, जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एक फ़ोन में ऑलरेडी करके रखा हूँ और एक एंड्रॉयड फ़ोन पर भी करके रखा हूँ, तो तीनों पर कोई ऐसे कुछ लैग वगैरह ऐसा कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शन में प्रॉब्लम या फिर वीडियो में प्रॉब्लम ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ है। आपको इसमें मैं जो प्रोसेस फॉलो किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। वांस अगर किसी भी डिवाइस पर पहले बार जब आप कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन, बारकोड स्कैन करके कैमरा का बैक साइड में जो दिया गया है, एक बार अगर कॉन्फ़िगरेशन आप कर लिया, उसके बाद आप जो यूज़र क्रेडेंशियल यानी Xiaomi का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो आपके जो क्रिएट किए हो मी होम में एंटर करने के टाइम में, जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपने एंटर किए हैं, उस यूज़र आईडी पासवर्ड को आप मी होम एप्लीकेशन मल्टीपल डिवाइस पर डाउनलोड करके लॉगिन कर लोगे तो आपको होम पेज पर भी कैमरा का डायरेक्ट लाइव दिखाएगी, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आता है। सो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो किसी भी मोबाइल फ़ोन पर मी होम एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जो आपका ओरिजिनल यूज़र आईडी है पासवर्ड है वो एंटर करना, आपको कैमरा जो है डिस्प्ले हो जाएगी 2-3 डिवाइस पर, नो इशू। इसमें मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ सो आपको बता पा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी यूजफुल होगी अगर आप इस कैमरा को परचेज करते हो। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हमें और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी और आपका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। सो मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।